हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज है धनतेरस। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और आई होप कि माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में विराजमान रहे हमेशा, और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज धनतेरस है। आज के दिन क्या क्या होगा मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो मेरा दिन की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है। मैं किचन के सारे काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। आंटी आ गई हैं, खाना की तैयारी भी वो कर रही हैं। खाना भी ऑलमोस्ट बनने वाला है। और जो मेरी दूसरी हाउस हेल्प हैं वो भी आंटी आके चली गई हैं, उन्होंने भी अपना काम कर लिया है। और मैं लग गई हूँ अपने काम में। मेरा क्या काम है आज जो है धनतेरस के दिन ही, मैं स्पेशली जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धनतेरस के दिन ही जो सारे डेकोरेशन का काम है, जो सजावट का काम है, घर की फाइनल सजावट मैं आज करना प्रेफर करती हूँ। मैं दिवाली से बहुत पहले नहीं करके रखती कि मतलब सफाई होगी तो उसी दिन से नहीं। पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मैं धनतेरस के दिन करती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे कुशन कवर्स को जो है मैं कुशंस को जो है वो कवर लगा रही हूँ। अब मैं सोफे के कवर्स वगैरह भी लगाऊंगी, और जो सारी जो फाइनल डस्टिंग के साथ जो फाइनल सेटिंग है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ देखिए कि क्या क्या होता है आज। लाइटिंग भी लगाएंगे अभी हम, फाइनल जितना भी जो सारा काम है वो सब करेंगे। तो आप भी हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहिए और देखिएगा कि क्या क्या हम करते हैं। और शाम को जो है वो रंगोली बनाने का टाइम मिलता है नहीं मिलता है, पूजा वगैरह सब आपको दिखाई जाएगी। तो बने रहिएगा आप इस व्लॉग में एंड तक। जैसे मैंने आपको बताया कि आज धनतेरस के दिन मैं सारे कवर वगैरह चेंज करती हूँ, नए कवर वगैरह लगाती हूँ, जो भी मैं लेकर के आती हूँ तो वही सब चल रहा है। और यहाँ पे ये मेरा सारा जो है डेकोर वगैरह सारा हो रखा है। सब कुछ जो कुछ मुझे सजाना था करना था मैं सब कर चुकी हूँ। और फाइनल जो डस्टिंग रहती है वो डस्टिंग करके मैं सारे कवर्स वगैरह बिछाऊंगी। तो मैं फ़ाइनल एक बार टेबल को और अच्छे से क्लीन करके और टेबल को अच्छे से पोंछ के और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना कवर। इसलिए तो वो दूसरा लाइन थी ना, वो प्लास्टिक वाला, वो इसके ऊपर उल्टा लग रहा है। ये उल्टा पता ही नहीं चल रहा है उल्टा सीधा कैसा है। तो पहले सीधा आपकी उल्टा सीधा पता ही नहीं लग रहा था। ये आंटी कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है? उल्टा सीधा डिसाइड हो गया है, ये उल्टा है ये सीधा है। उल्टा सीधा एक समान, ये उल्टा है। इसको उल्टा सीधा देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। एकदम सांप बिछा दिया हो टेबल पे। अपना ड्राइंग रूम करने के बाद मैं आ गई थी अपना डाइनिंग रूम की तरफ क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे एक बॉक्स को हम चेक कर रहे थे, उसमें देखिए मुझे इनके नाम की कितनी सुंदर की चेन मिली, तो वो भी मैं सजाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे मैं फिर अपना डाइनिंग टेबल जो है वो पूरा सेट करूँगी, जो सामान मैंने अभी रख रखा था सबको खाली करके और सब कुछ मैं इस पर कवर वगैरह लगा के और फिर माइक्रोवेव वगैरह मैं उसको लगा दूंगी। और उसके बाद बचता है हमारा लाइटिंग का काम, सो वो भी हमको करना था। लेकिन अभी सबसे पहले जो काम करना था वो था मुझे डाइनिंग टेबल सेट करना। तो मैं यहाँ पे इनके साथ मिलके डाइनिंग टेबल सेट करी थी। लेकिन कहते ना ये जेंट्स लोग कुछ नहीं कराते, इतनी मस्ती मजाक और पूरे टाइम ये कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। फिर मैं इनके साथ चिक 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 करती हूँ और फिर जाकर कहीं ये कुछ थोड़ा बहुत कराते हैं। इनको ना 50 बार बोलना पड़ता है तब जाकर के ये मेरा थोड़ा सा कुछ काम कराते हैं। तो यहाँ पे वही हमारी चिक चिक झिक झिक नोक झोंक के साथ साथ हमारा काम चल रहा है। तो यहाँ पे अब जो है वो पूरा माइक्रोवेव रखने के लिए मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो तुम माइक्रोवेव रख दो। पटाखे चल रहा है, पंखा नहीं। क्या बात है, पेड़ उगाए जा रहे हैं घर में, नकली वाले लग रहे हैं तो। बिल्कुल तुम्हारे नकली प्यार के जैसे। बिल्कुल सही कहा, है ना? हाँ। जैसा तुम्हारा प्यार नकली। असली पेड़ों की कमी है इनके पास, तुम नकली भी लगा रही हैं। तुम तो मेरे असली से भी दुखी हो, मेरे नकली से भी दुखी हो, पता नहीं तुम मेरे से दुखी हो तुम। असली से कब है, असली से कब है बताना जरा। नहीं हो दुखी? लेकर कौन कौन दिला के कौन लाया? हम ही दिला के लाए थे। कैसा लग रहा है ये बताओ? बढ़िया लग रहा है, पानी देते रहना। ना
अब शुरू होती है हमारी लाइट लगाने की जो पूरी मशक्क़त है, वो तो उसके जुगाड़ में हम लगे हुए। सबसे पहले हमने हुक्स चिपकाए और हुक चिपकाने के बाद हम इधर लाइट की जुगाड़ लगा रहे हैं और इधर लाइट्स लगा करके और पूरा सेट करके देखेंगे। और उससे पहले ना हमने एक लाइट लगाई थी, वो थोड़ी ज़्यादा नीचे लग गई थी, तो इसलिए वो जो हमारे गार्ड अंकल हैं उन्होंने आके बोला कि बच्चे खींच के तोड़ देंगे, तो फिर हमको उसको थोड़ा ऊपर करना पड़ा। तो वही सब जुगाड़ हम देख रहे थे कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी। हमने ना 3-4 लाइट्स लगाई थी और एक लाइट अभी हम नई खरीद के लाए थे, तो वो ना बहुत उलझी हुई थी, वो एक झालर टाइप थी, तो वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, तो हम उसको सुलझा रहे थे। हमसे बाहर नहीं सुलझी और बाहर ना मच्छर काटने लग गए, तो उन्होंने बोला पहले अंदर चलते हैं, अंदर चल के पहले इसको सुलझा दें फिर बाहर आके लगाएंगे। तो हम वही काम कर रहे थे, हम पहले इस लाइट को सुलझाने बैठ गए। हम दोनों ने मिलके इसको आधा पौन घंटा तक सुलझाया, तब जा कर के तो वो लाइट पूरी सुलझी। उसके बाद जाके हमने कहीं बाहर वो लाइट लगाई है, ये दिखाई देखिए, ये हमारी पूरी मेहनत जो हम पिछले आधे घंटे से कर रहे थे वो है। ये पूरी लाइट की जो झालर है वो इस तरीके से पूरी निकली है और उसके बाद फिर हमने उसको बालकनी में जो है लगाया है। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पे इस तरीके से हम दोनों मिलके जो है उस लाइट की झालर को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ना हम कोशिश ही कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा उलझी हुई है ना कि थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझ ही जाता है। एक को सुलझाने जाते हैं दूसरी उलझ जाती है, दूसरी को सुलझाने जाते हैं तीसरी उलझ जाती है, ऐसे करके बड़ी मशक्क़त करने के बाद, नहीं बड़ी मुश्किल और मशक्क़त करने के बाद जो है हमको 1 घंटा लगा होगा, 1 से 1.5 घंटा हमको इस लाइट को लगाने में लगा है। तो ये तीनों चारों लाइट हमने लगाई, फिर ये जो बीच में आप लाइट लटकती हुई देख रहे हैं ना, इसको भी ऊपर लटकाने के लिए हमने एक आइडिया लगाया था, मतलब मैंने लगाया था, इन्होंने नहीं, मैंने लगाया वो आइडिया। और वो आइडिया से फिर जो है हमारी पूरी लाइट्स लगी और फिर जा करके हमने दूसरे हमारे काम किए। अरे भगवान, लाइट लाइट में 1 घंटा लग गया हमको, अब बस सक्सेसफुली सब चल जाए। ये वाली लाइट जो है ना हमने बहुत नीचे ले ली थी, तो फिर हमारे गार्ड अंकल ने आके बोला कि नहीं इसको ऊपर लो वरना जो है वो बच्चे इसको तोड़ देंगे। तुमने वो कहाँ रखा? क्या ऑन करने वाला? ऑन किससे करोगे अब तुम? इस छोटे वाले से कर लोगे? भगवान का नाम लेके चालू करना। जय श्री राम। ये सारी दिल कैसी लग रही है? कर लेते हैं थोड़ी देर। हाँ, अच्छी लग रही है ना। सो गाइस, धनतेरस के हिसाब से सारा कुछ चल रहा है और काफ़ी कुछ मैं तैयारी कर चुकी हूँ, काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब बस मैं पूजा करूँगी। तो अभी रेडी होकर के पूजा करूँगी। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखिए, मैंने अभी दिवाली के हिसाब से बेडरूम के लिए एक बेडशीट ली है। वैसे मेरे पास डबल बेड की 2 अच्छी हैवी वाली चादर है, ये शीट्स है, लेकिन वो बैग के अंदर है या बेड के अंदर है तो वो निकालने की बिल्कुल हालत नहीं, क्योंकि इतने दिन से सफाई कर करके मैं थक चुकी हूँ। तो ये वाली मैंने अभी खरीदी थी। कहाँ से खरीदी थी? सुनो, ये कहाँ से खरीदी थी अपन ने? ये वो रिवाज। हाँ, ये रिवाज से खरीदी थी, तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, तो ये मैंने खरीदी। और देखिए, ये टेडी भी नहा के रेडी हो चुके हैं। टेडी जी नहा के रेडी हो गए, बताओ। तुम नहीं? हाँ, और यहाँ मैं नहीं, नहीं बताइए। आज ना काफ़ी लेट हो गया है और बीच में ना थोड़ा मेरा मूड भी अपसेट सा हो गया था, तो इसलिए फिर चलिए अब होते हैं फटाफट से रेडी और करते हैं पूजा। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने कर ली है चादर चेंज, और मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके कि आपको बेडशीट कैसी लगी। इस टाइप की जयपुर प्रिंट्स की जो ब्रेड शीट्स रहती है वो मेरी फेवरेट है और मैं मोस्टली ऐसी ही चादर ही यूज़ प्रेफर करती हूँ। सो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको चादर। और एक व्लॉग मेरे होम टूर का भी आएगा, इस वाले होम का जो टूर है वो बाकी है। सो मोस्ट प्रॉबली देखिए, अगर हुआ तो मैं आज ही होम टूर का कर दूँगी वीडियो शूट, फिर वो 2-4 दिन बाद या बाद में जो है मैं आपको अपलोड करूंगी, बताऊंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये बेडशीट। और मैंने निकाला है ये वाला सूट। ये वाला सूट मैंने अभी लिया था, आई गेस रिवाज से नहीं लिया था, मैंने कहाँ से लिया था, एक एग्जीबिशन में मैं गई थी तन्वी दीदी के साथ, तब लिया था। सो ये वो सूट है और आज मैं पहनूंगी। ये शायद तन्वी दीदी की किसी भाभी से ही लिया था मैंने। सो ये सूट मैं पहनूंगी आज और देखते हैं अब आगे कहीं जाने का भी प्लान बन रहा है तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब आपको बताएंगे। घर का डेकोर तो पूरा हो चुका था, लेकिन ये शुभ लाभ लगाना, स्टिकर्स लगाना, रंगोली के स्टिकर्स लगाना, ये सब रह गए थे।
और जो पगली होते हैं वो भी लगाना रह गए थे, तो वो सब मैं करके फाइनल जो कहते हैं ना फाइनल टचिंग दे रही थी, और उसके बाद मैं करूँगी पूजा, और पूजा के बाद मैं लगाऊंगी सब तरफ दिए। तो आज के दिन भी मैं जो है पूजा करती हूँ वो ऐसे ही करती हूँ जैसे दिवाली पे जो पूजा करते हैं ना वैसे, क्योंकि हम लोग ना वैसे दिवाली जो है वो गांव में मनाते हैं, इसलिए मैं पूजा जो है वो धनतेरस के दिन ही पूरी लक्ष्मी जी की अच्छे से पूजा करके जाती हूँ, क्योंकि फिर लक्ष्मी वाले पूजा वाले दिन तो दिवाली वाले दिन तो वहाँ पे सब गांव में सब मिलके पूजा करते हैं। तो आज जो है मैं खुद जो है अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ। ये फिर हम बाद में लगा देंगे, है ना? ठीक है। सब जगह दिए लगाने के बाद यहाँ पे जो कैंडल्स मुझे जलानी थी और जो फाइनल मेरे को डेकोर करना था मैं वो करने लग गई थी। यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम में जो 2-3 कैंडल्स लगाई थी मैं उसको जो है वो मैं जला रही थी। तो गाइस ये देखिए मैंने सजा दिया है थोड़ा सा जितना मुझसे हुआ, क्योंकि दिवाली तो हम लोग यहाँ पे मनाते नहीं हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सच कुछ करते नहीं हैं, बट हाँ मैं डेकोर वगैरह जो मुझे ठीक लगता है मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दिए वगैरह जला दिए हैं, और ये देखिए हमारे पंडित जी, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कर ली पूजा, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने कर ली पूजा, देखो कपूर अपने आप जल गई, ये आप लोग भी सब आरती ले लीजिए। माता रानी आपको सबको ब्लेसिंग्स दे, और लक्ष्मी माँ हमेशा हमें हमारे घर में रहे। तो ये देखिए मैंने कर ली पूजा अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। बस अब चलते हैं, सब जगह दिए भी लगा दिए हैं, जो रंगोली वगैरह लगानी थी वो भी लगा दी है। सो बस हो गया है। सो अब मैं यहाँ पे जो है वो पॉट उस पर थोड़ा सा कुछ फूलों से बना देती हूँ, रखे हैं थोड़े से फूल मेरे पास, पत्तियाँ फूल रखी हुई है, तो मैं उसको भी थोड़ा डेकोरेट करने का सोच रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी रखे हैं थोड़े से फूल की पत्तियाँ निकली हुई, तो मैंने कहा कर लेते हैं डेकोरेट। तो गाइस बिल्कुल मैं रेडी, ये मैंने लुक जो मैंने कैरी किया है वो है, और अभी बस हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास, मम्मी से मिलके, और फिर हम लोग थोड़ा निकलेंगे बाड़े घूमने के लिए। सो हम लोग जा रहे हैं अभी बाड़े घूमने, और मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ मेरा, कि मेरा पूरा लुक कैसा है, और फिर बस चलते हैं। और पूजा मैंने कर ली, मैंने आपको दिखा दिया धनतेरस की पूजा मेरी हो गई है। मैं धनतेरस की पूजा अभी कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से कर लूँ जैसे दिवाली की रहती है, इतनी बड़ी तो नहीं कर पाती बट हाँ छोटी कर लेती हूँ।
पर अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि दिवाली हम यहाँ नहीं मनाते हैं, तो दिए वगैरह करना और जो डेकोरेशन वगैरह रहता है वो मैं आज भी करती हूँ, कल भी करती हूँ, और परसों तो फिर वहाँ विजयपुर में मनाएंगे दिवाली। सो चलिए अभी जो है वो चलते हैं फटाफट से। सो ये है मेरा लुक जो मैंने कैरी किया है, और आपको आ रही होगी पटाखों की खूब सारी आवाज़, तो खूब सारे पटाखे फूट रहे हैं। और घर का जो होम टूर है वो मैं आके आपको देती हूँ, क्योंकि अभी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। मैं पहले मम्मी के यहाँ जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये हमारी बालकनी सुंदर लग रही है। हाँ, लाइटें आ रही हैं। अब हम लोग चले गए थे रात को सराफा घूमने के लिए, क्योंकि धनतेरस के दिन मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ, तो लेना था, तो हमने कहा चलो थोड़ा घूम भी लेंगे और ले लेंगे। लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ है, सारा वाले रही है। उस दिन सराफा में भीड़ देख के ऐसा लग रहा था जैसे लिटरली आधे से ज़्यादा ग्वालियर जो है वो उस दिन सराफा घूमने आया था, और उस दिन की भीड़ देख के तो ऐसा लगा कि नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं गई थी सराफा, तो सराफे से मैं लेके आई हूँ ये चांदी का लोटा। एक्चुअली जो अभी मुझे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे गिफ्ट दिया था पापा ने करवा चौथ पे, तो उसका मैं ये ले आई हूँ। और एक मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ ये बिछिया जो है मम्मी को देने के लिए लेके आए हैं हम लोग, और काफ़ी सुंदर लगी, प्रिटी सी है। और ये लोटा मैं लेके आई हूँ। सो ये हम लोग लेके आए आज। और यहाँ पे ना जो सराफा लगता है ना वो काफ़ी मतलब बड़ा लगता है, मतलब सराफा पूरा एक एरिया है, वहाँ पे सोने मतलब गोल्ड और सिल्वर की सारी दुकान है, और वहाँ पे ना अभी मेले टाइप लगता है और पूरा पैदल लोग चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे वहाँ से, मैंने आपको दिखाया मैं क्या लेके आई, और इतनी भीड़ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आज तो भीड़ ने जो दिमाग ख़राब किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो भीड़ होती है जिसमें फैमिलीज़ वगैरह चलती हैं, मतलब हमारे यहाँ पे मतलब हम 2-3 साल से जा रहे हैं तो फैमिलीज़ वगैरह ही रहती है, तो वो। लेकिन आज जो भीड़ थी वो ऐसी थी ना, कोई यहाँ मुक्के मार रहा है कोई ये, बट ये है कि हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि धनतेरस के दिन कुछ खरीद लूँ, तो मैंने वो ख़रीदा लोटा मैंने आपको बताया, मम्मी के लिए बिछिया। सो ये है, और हम आ गए थे, फिर आके चले गए दीदी भैया के घर, थोड़ी देर वहाँ बैठे, वहाँ पे ऐसे ही हम लोगों ने बातें की, थोड़ा कार्ड्स वार्ड्स खेला, और उसके बाद हम आए घर, और अब हम खाएंगे खाना और उसके बाद सोएंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे कल। और इसी के साथ इस वाले व्लॉग को, धनतेरस वाले व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर। और अब जो है कल आएगा नया व्लॉग जिसमें हम जाएंगे पटाखे की शॉपिंग करने, और क्या क्या करेंगे वो सब आपको बताएंगे। और उसके बाद परसों हम जाएंगे दादी के पास दिवाली मनाने, सो उसकी पैकिंग वगैरह भी करेंगे, वो भी बताएंगे। सो और कल कोई आ भी रहा है शायद, आई एम नॉट श्योर। सो आपको सब कुछ बताएंगे कल, तो कल मिलते हैं, नहीं सॉरी, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।